और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम, बट वीडियोस तो बनानी ही है तो इसीलिए। बट गाइस प्लीज़, अगर मैं मेहनत करती हूँ तो सपोर्ट भी करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इतने दिन हो गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइल विद शालू। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है हेयर कलर का वीडियो, और वो है स्ट्रिक्स का हेयर कलर, जो कि आज मैंने किया है फर्स्ट टाइम। तो इसका रिजल्ट क्या आता है तो हम आगे वीडियो में देखेंगे, और इसे कैसे करना है तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। देखिएगा, प्लीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हेयर कलर ट्यूब जो कि है आर्गन स्ट्रिक्स हेयर कलर क्रीम, तो ये आर्गन ऑयल के साथ है, और आप देख सकते हो कुछ ऐसी पैकेजिंग है इसकी, और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। आप इसको 2 से 3 बार यूज कर सकते हो अगर आप टचअप करते हो तो। अगर आप फुल हेयर कलर करते हो तो आप इसको 1 ट्यूब ले सकते हो। देन आप इसकी MRP देख सकते हो यहाँ पर, 180 रुपए इसकी MRP है। शेल्फ लाइन भी बहुत अच्छी है। देन सारे के सारे इन्ग्रीडियंट भी मेंशन है यहाँ पर, आप देख सकते हो। इसकी जो मिक्सिंग होती है 1:1 रेशियो होती है। देन इसका जो मेरा शेड है वो है मोंगिया बरगंडी 705। तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसी इसी आउटर पैकेजिंग में होती है। देन अंदर से इसकी ट्यूब जो ऐसी होती है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर आपको एक पेपर मिलेगा जिसमें सभी मेंशन है। अगर आप वीडियो नहीं देखते हो तो इस पेपर को भी पढ़ के इसे आप अप्लाई कर सकते हो। देन ये ट्यूब कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हो अच्छी खासी क्वांटिटी है। अगर आप इसको लेकर चलो तो यहाँ पर आपका मिनिमम जो मार्जिन है वो दे रखा है। आप इसको अगर टचअप करते हो तो 2 से 3 बार इजिली कर सकते हो। देन ये ट्यूब कुछ इस तरीके की है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। डबल पर का रेशियो भी मेंशन है, अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो वो इजिली कर सकता है। 1+1 का रेशियो भी आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके की ट्यूब होती है। देन आपको इजिली यहाँ से इसको ओपन करना होता है, तो ये मैंने ओपन कर लिया है। अभी इसे मिक्स करेंगे हम। डेवलपर लिया है स्ट्रिक्स का ही आर्गन ऑयल, और इसका वॉल्यूम जो है 20 वॉल्यूम है। अगर आप रूट टच कर रहे हो, रूट टचअप कर रहे हो, तो आपको 20 वॉल्यूम ही लेना है। आप रूट टच करना चाहते हो, टचअप करना चाहते हो, तो आपको 20 वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 20 वॉल्यूम जो होता है आप अपने स्कैल्प पे यूज कर सकते हो। अगर आपको अपने हेयर कलर करने, दूसरे दूसरे कलर जो होते हैं वो करने हैं, तो आपको 40 वॉल्यूम लेना पड़ेगा। आप देख सकते हो 40 वॉल्यूम जो होता है वो हम रूट पे टच नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हो ये मैंने परचेज की है नाइका से 120 रुपीज में। तो आप देख सकते हो बहुत ही इजी है, ये भी आपका 5-6 बार चल जाएगा। तो बहुत अच्छी खासी बॉटल होती है। मैं आपको दोनों प्रोडक्ट दिखा दिया है, तो अब हम कर लेते हैं इसे मिक्स। तो आपके पास ये बॉटल है और इसका हमें ढक्कन जो है वो निकाल लेना है यहाँ से। तो इस तरीके का जो ढक्कन है उसे निकाल लेते हैं, प्लास्टिक की या फिर कांच की कटोरी हो या फिर कुछ हो, क्या है इसका ढक्कन जो भी है। तो अगर आपके पास कुछ मेजरमेंट आपको समझ ना आ रहा हो तो वो आप ये यूज कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर क्रीम लूंगी, इसलिए मैं ये ले रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप कैसे करोगे। तो कि सारा जो मेथड होता है वो मिक्सी का होता है, अगर कम ज्यादा हो गया तो आपका कलर जो है वो नहीं आएगा। तो आप इसको टैप टैप कर लेंगे थोड़ा सा तो इवन हो जाएगा, तो आपको पता रहेगा इजीली निकल गया है। अब हम इसमें लेंगे डेवलपर, तो ये भी हम इतना ही लेंगे, तो अब भी है तो हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कम लगता है तो आप ले सकते हो और भी। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए। तो अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, देन हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमें इसे अप्लाई ऐसे करना है। आप अगर आपके पास हैंड ग्लव नहीं है तो आप पोलोथीन का यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। देन अच्छे से सारे कलर लगा के उसे अच्छे से मर्ज कर लेंगे, ताकि आपके कोई भी बाल रह ना जाए। ऐसे करने से आपके सारे बालों में कलर लग जाता है। तो आप देख सकते हो ये मैंने पूरे में लगा लिया है। देन फटाफट से कलर ड्राई हो गया, तो मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। देन ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। तो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल बरगंडी शेड आया है, तो ये शाइन कर रहे थे बहुत ही ज्यादा बाल, आप देख सकते हो। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने बाल अपने वॉश कर लिए हैं, और ये है मेरा फाइनल रिजल्ट इस कलर का। तो बहुत ही प्यारा बरगंडी शेड आया है, जो कि बहुत ही अच्छा वाला लग रहा है। तो आप देख सकते हो ये कलर बेस्ट है। अगर आप करना चाहें तो पूरा बालों पे करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट मैंने थोड़ा सा टचअप ही किया था आगे का। तो आप देख सकते हो तो बहुत ही प्यारा शेड है सी, तो कैमरे पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये शेड, और रियल में भी अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है।
और बाल भी अच्छे हो गए हैं इससे। तो आप ये बाय कर सकते हो अमेजोन से। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर जाइए और बाय कीजिए। तो प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज पता नहीं सपोर्ट क्यों नहीं करते हो, और प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिए। आप देख सकते हो मैं इस टाइम भी वीडियोज बना रही हूँ और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम, बट वीडियोज तो बनानी ही है तो इसीलिए। बट गाइज प्लीज अगर मैं मेहनत करती हूँ तो सपोर्ट भी करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इतने दिन हो गए पता नहीं YouTube कहाँ से हो रहा है जो मेरे वीडियोस देखता है, रिव्यू करता है, बट उसे मेरी मेहनत नहीं नजर आती। तो प्लीज़ YouTube से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को अच्छे से रिव्यू कीजिए, अगर कुछ कमी है तो मुझे बताइए, देन उसे आगे बढ़ाइए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए। गाइज व्यूज़ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, बट फिर भी मैं उठती हूँ, चलती हूँ और खड़ी हो जाती हूँ, तो इसीलिए। बट मैं आपको बता दूँ कि आप देख सकते हो इस टाइम रिया जो है वो सो रही है, क्योंकि मैं रिया के पास ही हूँ और रिया को हो रहा है टाइफाइड, तो फिर भी मैं वीडियोस बना रही हूँ सारा काम वगैरह करके। तो गाइज प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए कि मेरे लिए कितना ज़्यादा काम है, एक ही काम ही है मेरे लिए, बट आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाइए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो बस इतना ही था ये वीडियो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल जो बटन है उसे भी हिट कर देना, और आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, वहाँ पर भी मैं रील्स क्रिएट करती हूँ। देन मेरा एक नेक्स्ट चैनल है शॉर्ट्स का, जो है शॉर्ट जलवा, तो आप उस पर मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो। वैसे शॉर्ट मैं इस पर भी डालती हूँ, बट उस पर भी जाके देख सकते हो शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और गाइज प्लीज आपसे हाथ जोड़ के भी दिया, प्लीज सपोर्ट 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 सपोर्ट, और ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी मुझे सपोर्ट कर सके। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।